मुफ्ती सलमान नजरी आज हमें बता रहे हैं कि इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई कैसे हुई और ये इसराइल कहाँ से आई, कौम ये यहूदी कौम कहाँ से आई और कैसे इनका ये तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ। चलते हैं वीडियो की तरफ, मुफ्ती सलमान नजरी की ज़बानी देखते हैं ये वीडियो। 800 साल के करीब हो गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को वापस लाए हुए, लेकिन पिछले 100 साल से पूरी दुनिया के यहूदियों के अंदर एक ये फिक्र पैदा हुई कि हमारी एक रियासत होनी चाहिए, हमारा एक मुल्क होना चाहिए। ये मारे मारे पूरी दुनिया में फिर रहे थे। हिटलर ने इनको मारा तो अमेरिका में चले गए, अमेरिका में मारे गए तो बर्तानिया में गए, बर्तानिया से फ्रांस में गए, जगह जगह ये थोड़े 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 आबाद होते रहे। और उसके बाद फिर इनके अंदर एक तहरीक पैदा हुई 18वीं सदी हिजरी सदी ईस्वी में कि तुम्हारी अपनी एक रियासत होनी चाहिए। तो इनकी अपनी रियासत, इतना अपना मुल्क चाहिए, कहां? वही मुकद्दस जमीन जो तुम्हारे बाप दादाओं की है, क्योंकि यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में अपने आप को कहते हैं। तो उस सरजमीन पर जाने के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन फिलिस्तीन उस जमाने में खिलाफत इस्मानिया का हिस्सा थी जो तुर्की के बादशाह थे, तुर्की के अंडर में फिलिस्तीन आता था, तो वहां पर इनकी मजाल नहीं थी। लेकिन हुआ यह कि 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, पहली जंग अजीम, जिसमें तुर्कियों ने जर्मनी का साथ दिया और हार गए बर्तानिया इंग्लैंड के मुकाबले में। तो हारने की वजह से हुआ यह कि तुर्की की सारी खिलाफत खत्म हो गई, खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, 50 मुल्कों पर उनकी अकेली हुकूमत थी, सब टुकड़े हो गए, तुर्की को सब खत्म कर दिया गया, खिलाफत खत्म कर दी गई। ये 1920 में खिलाफत खत्म कर दी गई और फिर बर्तानिया इंग्लैंड के तसल्लुत में, उसके कब्जे में फिलिस्तीन भी आया। ये वो जमाना था जब हमारा इंडिया भी इंग्लैंड के अंडर में था, हमारा भारत भी। बर्तानिया हर मुल्क फतह करते हुए अपने अंदर लेते जा रहे थे, ये अंग्रेजों की आदत थी। तो फिलिस्तीन भी उनके अंदर में था। तो अब उन लोगों ने यहूदियों के लिए एक आम ऐलान किया, डिक्लेरेशन ऑफ बालफोर कहा जाता है, एक बालफोर ऐलामिया, जिसमें ऐलान किया गया कि दुनिया भर के जो भी यहूदी हैं वो हिजरत करके यहां आए, उन्हें घर दिया जाएगा। 1921 से फिर फिलिस्तीन में एक छोटी सी बस्ती में इनको बसाया गया। 4,000 लोग पहले आए, 4,000 लोग आए, फिर ये हिजरत का सिलसिला चलता रहा चलता रहा, यहाँ तक कि 1947 में इनकी आबादी 36 लाख के करीब हो गई, 30-35 लाख से बढ़ करके आगे बढ़ गए। और उसके बाद फिर 1948 में इन जालिमों ने अक्वामे मुत्तहदा यूएनए की मदद से ये ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में कि अब ये फिलिस्तीन नहीं है, इसका आधा हिस्सा इजराइल है, यह हमारा मुल्क है। बात दर हकीकत यह थी कि यूएनए में, अक्वामे मुत्तहदा में यह बिल पास हुआ था कि यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी। इस फिलिस्तीन के दो टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फिलिस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी इसराइल बनाएंगे। आज भी ये अक्वामे मुत्तहदा यूएनए का यह बिल आज भी मौजूद है, अक्वामे मुत्तहदा से ये बिल पास हुआ। यहूदी तो मान गए, लेकिन पूरे अरब के मुसलमान इसके खिलाफ थे कि अरबों के बीचों बीच एक यहूदी रियासत कैसे कायम हो सकती है, ये हमारा मुकद्दस मामला है, मुकद्दस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है। एहतजाज करते रहे करते रहे, लेकिन इन यहूदियों ने माल के जरिए, औरतों के जरिए सारे अरब मुल्कों के जो बादशाह थे इन तक अपना तसल्लुत जमा लिया। कई ऐसे अरब बादशाह हैं जिनकी बीवियां यहूदी, उनके घरों तक ये पहुंच गए और उनको ऐसा न्यूट्रल कर दिया कि अब वो फिलिस्तीन के बारे में बात ना करें। हुआ ये कि इज़राइल तो बन गया, लेकिन आज तक फिलिस्तीन नहीं बन सका, फिलिस्तीन का वजूद दुनिया नहीं दिखाती। गूगल में चेक करो तो नहीं बताता फिलिस्तीन कोई जगह नहीं। मेरे अजीजों, हर 10-10 साल पर ये ज़मीन को हड़पते 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 आज पूरा पूरा वो अर्ज़ मुकद्दस जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है,
90% यहूदियों के कब्जे में आ गया। अक्वाम मुत्तहदा से यह भी बिल पास हुआ था कि आधा आधा कर लिया जाए, इज़राइल एक रियासत, फिलिस्तीन एक रियासत, लेकिन बैतुल मुकद्दस जो है मस्जिद अक्सा वो दोनों के अंडर में नहीं रहेगी, ये अक्वाम मुत्तहदा के अंडर में ये खुद मुख्तार रहे, क्योंकि यहां यहूदियों का भी ताल्लुक है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का है, सबको यहां आना जाने की इजाजत रहेगी, किसी के अंडर में नहीं रहेगा। ये पास हुआ था, लेकिन आज हालात ये है कि इस बैतुल मुकद्दस की दीवारों पर, दरवाजों पर ये वहशी जालिम इजरायली बंदूक ताने आज भी खड़े हुए, ये जिसे अंदर जाने दें वो जाएगा। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है इनकी खयानत, इनकी गद्दारी को, लेकिन कोई एक जुमला तक नहीं कहता कि इजराइल दहशतगर्द है। आपको मैं एक आंकड़े अगर बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों में से अब तक 2.5 लाख सिर्फ बच्चों को कत्ल किया है इन इजराइलियों ने। आज भी ये डेटा मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने शो किया है। अक्वाम मुत्तहदा की भी रिपोर्ट मौजूद है कि फिलिस्तीन के कितने मारे गए। इन दोनों की जंग में 24 लोग अगर मारे जाते हैं तो 23 फिलिस्तीनी होते हैं, एक इसराइली होता है, फिर भी दहशतगर्द फिलिस्तीन है, आतंकवाद फिलिस्तीन है। मेरे अजीजों, ये दुनिया जो दोहरा खेल खेल रही है इसको कौन बताएगा आखिर। वहां जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मोमिनीन आज भी जाते हैं, उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, लेकिन उन जियाले मुसलमानों को हजारों सलाम जो तलवारों के साय में भी मेरे मौला की इबादत खुशू खुजू से करते। मैं खुद गया और देखा हूं, छोटे छोटे से बच्चे, 6 साल के, 8 साल के बच्चे मिलने के लिए आते हैं और ये पूरे असलहे में लेस फौजी खड़े रहते हैं। छोटा सा बच्चा उनकी गन को यूं घुमाता है और मस्जिद में अंदर आता है, ऐसा लगता है जैसे वो खिलौने को पकड़ रहा है। मेरे अजीजों, ये भी हदीस पाक के जरिए से मैं बताता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का एक हिस्सा कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, और उनकी मुखालफत करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा, और दुनिया में कोई बला भी फैले तो इस जमात पर कुछ असर नहीं होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का वो हिस्सा कौन है? मेरे आका फरमाते, बैतुल मुकद्दस के आसपास रहने वाले मोमिनीन की जमात है, उनकी फजीलत में मेरे आका ने फरमाया कयामत तक लड़ते रहेंगे, कयामत तक, और उनकी खिलाफ करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा। और हम देख रहे हैं, अरे बड़ी बड़ी इमारतें एक बम से गिरा दिया, दूसरे दिन उनके आसपास इनकी गाड़ियां भी चल रही हैं, दुकानें भी चल रही हैं, बाजार भी चल रहा है। कल रात को फायरिंग हुई, 50 लोग बैतुल मुकद्दस से उठा करके लाशें ले गए। दूसरे दिन जा करके देखे तो असर के बाद औरतें अपने बच्चों के साथ रोटियां सैंडविच खाती हुई बैठी हुई हैं। मतलब यह है कि न मौत का उनके अंदर खौफ है, न जालिमों के तसल्लुत का डर है। हाँ, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि मौला जब किसी का दिल कुशादा करे तो बड़े बड़े पहाड़ों से भी उन्हें डर नहीं लगता। और एक हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुल बुकाई बैतुल मक़दिस सैयदु सखरति सखरतु बैतुल मक़दिस। हुजूर ने फरमाया पूरी रुए जमीन का सरदार जो हिस्सा है वो बैतुल मुकद्दस का हिस्सा, सरदार हिस्सा, और गुंबदों में अगर सरदार गुंबद है तो बैतुल मुकद्दस का गुंबद है, ये मेरे आका ने फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं, तुम देखना कि अखीर जमाने में सारे लोग उस जमीन की तरफ हिजरत कर जाएंगे। जब ऐसी हिजरत का वक्त आ जाए, हुजूर फरमाते हैं, फलजमहुम, तुम लाजिम पकड़ लेना, उस जमात के साथ चले जाना, क्योंकि खैर पूरी दुनिया में सिर्फ वही होगा और कहीं नहीं होगा। और आज जो हालात देख रहे हैं ना, यहूदियों का तसल्लुत है, उनका कब्जा है, मेरे अजीजों चंद दिनों की बात है। मैं कुरान से और हदीस से, वक्त होता तो मैं, आज चूंकि ये जुम्मतुल विदा है और यौम कुद्स के नाम से पूरी दुनिया आज मना रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये बातें रखी हैं। बैतुल मुकद्दस क्या है? बैतुल मुकद्दस के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हमेशा भी यहूदियों के तसल्लुत में नहीं जाएगा, यह मेरा यकीन है।
दुनिया टल सकती है मगर मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं टलेगा। मेरे आका ने अगर फरमाया है तो वो होकर रहेगा। हुजूर फरमाते हैं खुरासान से एक जमात आएगी, खुरासान से, खुरासान या अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा है जिसको पुराने जमाने में खुरासान कहा जाता था। मेरे आका फरमाते खुरासान से काले झंडे लेकर के एक जमात निकलेगी और वो इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुकद्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी और वो झंडे सीधे लाकर बैतुल मुकद्दस पर गाड़ देंगे। तुम सब भी ईलिया, मेरे आका फरमाते ईलिया ये बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को कहते हैं, झंडे वहां गाड़ दिए जाएंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब तुम देखना कि ये यरूशलम बैतुल मुकद्दस दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल खिलाफा का मतलब राजधानी, हुकूमत करने की जगह बन जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फकत दनत ज़लाज़िल वल बलाया वल उमूर। हुजूर फरमाते हैं तो फिर देखना बड़े बड़े जलजले आएंगे दुनिया में। जब यरूशलम को राजधानी बना दिया जाए, दारुल खिलाफा, बड़े बड़े जलजले आएंगे दुनिया में, वल बलाया और बहुत सारी बलाएं फैलेंगी पूरी दुनिया में। ये वायरस ये कंटिन्यू आएंगे, ये मत समझना कोरोना चला गया, हाँ ये सब अब कंटिन्यू आने वाली है बलाएं, पूरी दुनिया में बलाएं फैल जाएंगी और इतने बड़े बड़े मामलात होंगे जिनको तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया और ये दारुल खिलाफा से क्या मुराद है, मुहद्दिसीन ने इसमें अलग अलग बहसें की हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 2017 में, अभी तीन चार साल पहले की बात है, पांच साल पहले, इन यहूदियों ने अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दी, यरूशलम है बैतुल मुकद्दस हमारी राजधानी है, और सारे सिफारत खाने जितने भी एम्बेसी हैं उन्होंने सब वहां पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया और बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को अपना कैपिटल सिटी बनाने का ऐलान कर चुके। और मेरे आका की हदीस सादिक आ रही है, जब वो राजधानी बनेगी अब बड़े बड़े जलजले होंगे और पूरी दुनिया में बलाएं फैलेंगी और बड़े बड़े मामलात होंगे। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा कि अल्लाह इनको जलील और रुस्वा करके उस जमीन से निकालेगा और एक इमाम बरहक के झंडे तले मोमिनीन जमा होंगे। पूछा गया वो इमाम बरहक कौन होगा, मेरे आका फरमाते हैं वो मेरी औलाद में से होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा और अल्लाह उसको इमाम महदी की शक्ल में भेजेगा। हाँ ये जमाना बहुत करीब आ चुका, ये जमाना बहुत करीब आ चुका। मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में आज जुम्मतुल विदा में यही दुआ करता हूं कि मौला अगर जिंदगी की सांसें बाकी हैं तो इमाम महदी की फौज में हमें जगह अता फरमा, उनके झंडे तले मौला हमें अमन व अमान अता फरमा दे, दुनिया से जालिमों के चंगुल से मौला ईमान वालों को आजादी अता फरमा, कुफार और मुशरिकीन के तसल्लुत से मोमिनीन को आजाद फरमा दे। ए रब्बे जुल जलाल अहसन अल खालिकीन, इस माह मुबारक में अगर तू हमें मौला इन रातों में इन दिनों में इबादतों को कबूल किया और भीख में कुछ दे तो मौला सिर्फ इतना दे दे कि पूरी उम्मत को मौला खैर व आफियत अता कर दे, खोई हुई इज्जत व वक़ार अता फरमा दे, हमारे नाहक कैद किए हुए बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे, बेकसूर जेलों में बंद हमारे बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे। तो नाज़रीन आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी की वीडियो देखी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। इसराइल के बारे में आपने जाना, वो इसराइल कहाँ से आई, हकीकत में तो ये फलस्तीन का यानी पूरा ये मुल्क था, इसराइल जो इन्हें आके इधर यानी वो अपना डेरा डाला था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।